नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। खबर जनपद औरैया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुलरिया की है, जहां पीड़ित राम कुमार ने जनपद के आला अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक न्याय की गुहार लगाई है। और पीड़ित ने बताया कि मनोज दुबे के द्वारा 9 बीघा जमीन पर जबरन दबंगई के बल पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित ने कहा कि मैंने कई बार शिकायती पत्र दे चुका हूं, लेकिन हर बार कागजों में शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता। जितने भी आदेश होते हैं वो सिर्फ हवा हवाई होते हैं। अब देखना यह है कि जनपद औरैया का प्रशासन दबंग मनोज दुबे के ऊपर क्या कार्रवाई करता है। क्या आज ही दबंगों का चलता है जनपद औरैया में राज, या फिर जनपद औरैया की कानून व्यवस्था में है कोई कमी। दबंग के सामने प्रशासन हुआ नतमस्तक, पीड़ित को किया किस प्रकार न्याय मिलता है। पीड़ितों ने लगाई मीडिया से न्याय की गुहार। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राम कुमार। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हमारी माँ ने कुछ जमीन खरीदी थी गुलरिया गांव में हरि नारायण दुबे से, और उस जमीन को जबरदस्ती ये लोग कब्जा किए हुए हैं। ठीक, कौन कौन कब्जा किए हैं? हरि नारायण दुबे हैं और कुछ और इनके साथ में 2-3-4 लोग हैं। तो आपने अभी तक क्या प्रार्थना पत्र दिया? क्या आपको कब्जा दिलाया गया कभी? मैंने ये देखिए मुख्यमंत्री जी को कब एप्लीकेशन दिया, उसके बाद माननीय जिलाधिकारी जी को दिया। मुख्यमंत्री जी को जब आपने दिया उस पर क्या आदेश हुआ? उस पर केवल मेरे पास मैसेज आया, और मैसेज आने के बाद थाने के द्वारा वहाँ पर रिपोर्ट लगा दी गई कि निस्तारण कर दिया गया है। क्या निस्तारण हुआ आपको पता चला? अब निस्तारण में मुझे तो कुछ पता नहीं चला। चलो आगे दूसरी आपकी एप्लीकेशन, उसके बाद मैंने जिलाधिकारी और रिया को भी दिया। अच्छा, उसमें क्या हुआ? उसमें भी कुछ नहीं, मैसेज आया कि निस्तारण हो गया है, बात खत्म हो गई। दूसरी एप्लीकेशन भी कुछ उसके भी नहीं बाद है। जी फिर मैंने कप्तान साहब को भी दिया, कप्तान साहब वाले में भी यही हुआ। क्या हुआ उसमें? उसमें भी वही लिख के भेज दिया कि निस्तारण कर दिया गया। हर बार मतलब जब जब भी मैं एप्लीकेशन देता हूँ केवल यही लिख के भेज दिया जाता है कि निस्तारण कर दिया गया। लेकिन आपकी जमीन पे आपको कब्जा फिर नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। उसके बाद थाना दिबियापुर को भी मैंने दिया। कब दिया था थाना दिबियापुर? थाना दिबियापुर को मैंने ये दिया था, इसमें डेट पड़ा हुआ होगा 23/7/2022। बहुत सारे एप्लीकेशन है आपके हाथ में, बाकी किसको दिए? उसके अलावा मैंने थाना दिवस में भी दिया। थाना दिवस में क्या हुआ? थाना दिवस में भी बस वही हुआ, एप्लीकेशन लिख के चली गई, उसके बाद में मैसेज आ गया कि आपका निस्तारण हो गया। लेकिन कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये माननीय SDM साहब को दिया, SDM साहब ने इस पर आदेश किया। जी, क्या आदेश हुआ? कि इनको कब्जा दिलाया जाए, अवैध कब्जा रोका जाए और जायज कब्जा दिलाया जाए। जी, उसके बाद ये आपका हमारा इंतखाब में नाम भी है। जी, यानी खेती आपके ही नाम है। जी, जिसकी प्रधानमंत्री किस्त भी मुझे मिल रही है। जी, बैंक से हमारी KCC भी बनी हुई है। जी, इस जमीन पर कब्जा होने के कारण बैंक की KCC भी मैं जमा नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, इसके बाद खतौनी में भी ये देखिए, इसमें भी खसरे में भी नाम आ गया है। आपका नाम चढ़ा है? जी, मेरा नाम चढ़ा है। जी, और उसके बाद ये माननीय SDM साहब के द्वारा मुझे कब्जा दिलाया गया 2 बार, और मुझे लिख के दिया गया। क्या लिख के दिया? ये देखिए आप पूरी तहरीर उस पर लिख। क्या समस्या है आपकी खेती के मामले पे? हमारी जमीन है जो जबरदस्ती दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं, खरीदी है हमने, फिर भी जबरदस्ती दबंग के बल पर वो कब्जा किए, हमारी जमीन दे नहीं रही है। करीब 8-9 साल हो गए हैं। कितने बीघा जमीन है? 9.5 बीघे। आपने पुलिस से शिकायत की अभी तक? जी, बराबर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। दबंगों के नाम पता है क्या है? जी, हरि नारायण और मनोज दुबे। कहाँ के हैं ये लोग? दुलहरिया गांव के। तो मनोज है कि और भी है जो आपकी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं? अन्य लोग और भी हैं साथ में उनके, जबरदस्ती कब्जा किए हुए। कितने साल से कब्जा किए हैं? करीब 9-10 साल होने जा रहे हैं। खेती की फसल आप लोग काट रहे हैं या वही लोग काट रहे हैं? वही लोग काट रहे हैं, जबरदस्ती काट लेते, बवाते हमें, कटवा बोल लेते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।